कर्नाटक में कड़े सुरक्षा के घेरे के बीच बुधवार को स्कूल और कॉलेज दोबारा खोले गए, लेकिन हिजाब को लेकर स्कूल प्रबंधन और छात्राओं के बीच रस्साकशी अभी भी जारी है। राज्य के एक कॉलेज में स्कूल प्रबंधन ने हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को वापस घर भेज दिया। इन छात्राओं को हिजाब उतारने के लिए एक अलग कमरा दिया गया था, लेकिन छात्राओं ने कहा कि वे अदालत के फैसले का इंतजार करेंगी और तब तक क्लास में प्रवेश नहीं करेंगी। इससे पहले हिजाब पहनी छात्राओं को जब कॉलेज के गेट पर रोका गया तो वो सड़क पर बैठ गईं और इस निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। विजयपुरा सरकारी कॉलेज में भी हिजाब को लेकर विवाद का माहौल बना रहा। यहाँ हिजाब पहनी छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल से बहस की और हिजाब पहनकर क्लास करने की परमिशन नहीं मिलने पर सवाल उठाए। वहीं दूसरी ओर हिजाब विवाद पर कर्नाटक के अलावा कई शहरों में भी बवाल तेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ आगरा के ताजमहल के बाहर भारी प्रदर्शन और हंगामा देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर मालेगांव के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी जमकर नारेबाजी हुई। पूरे विवाद के बीच आगरा से भी कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग ताजमहल के अंदर भगवा पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं, हालांकि पुलिस उन्हें बाहर ही रोक देती है। पूरे मामले पर VHP का कहना है कि जब हिजाब पहनकर स्कूल जा सकते हैं तो भगवा पहनकर ताजमहल क्यों नहीं जा सकते। गौरतलब हो कि इस पूरे मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। मंगलवार को भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज बुधवार को भी कोर्ट में दलीलें सुनी जाएंगी, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से पहले राजनीति अपने चरम पर है। INS रिपोर्ट।